आगे बढ़ेंगे जांच। वाराणसी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। शाम 6 बजे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के मोती झील महमूरगंज में उद्घाटन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें शाम 6 बजे का समय रखा गया है जब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। वाराणसी के लिए तमाम कार्यक्रम तय हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह के, और चुनाव कार्यालय के उद्घाटन को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें झील महमूरगंज में उद्घाटन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। सचिन, गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है वाराणसी में, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वहां पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल माधुरी, अगर हम बात कहें आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कमान, उनके प्रचार की कमान संभालने के लिए, और इसको बता दें कि पहले यहाँ पर जो क्या कहते हैं महमूरगंज में स्थित जो केंद्रीय कार्यालय उसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद मोती झील में वहाँ पर 5 विधानसभा के जो कार्यकर्ता उनके साथ भी पहले से बैठक करते हुए नजर आएंगे, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। जो है तो मान सकते हैं क्योंकि लगातार चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव का प्रधानमंत्री फिर से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके जो कार्यकर्ता वो भी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम दोनों जो व्यक्ति किए हैं वो भी साथ में मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जीत का जो मंत्र है वो देखते हुए नजर आएंगे कि आखिर में कैसे लड़ा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई भी ऐसी सीट नहीं गंवाना चाहती है जिससे कि उनको बाकी दिक्कतों का सामना करना पड़े। उसको देखते हुए जैसे पूरे प्रदेश की सबसे हॉटसीट मानी जाती है वाराणसी, उसको लेते हुए आज अमित शाह किसी कमाल संभालते हुए नजर आएंगे। हजारों कार्यकर्ता भी जानकारी के अनुसार ये है की यहाँ पर मौजूद रहेंगे, पूरी की पूरी आगमन को लेकर के होल्डिंग बोर्ड बैनर से पूरा का पूरा स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरा ही काशी को दुल्हन की तरह सजा रखा है। तो कह सकते हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह पांडे पहुंचेंगे सीधा भारतपुर से, उसके बाद सीधा क्या कहते हैं जो उद्यान है कहीं ना कहीं वहां जाके जैसे केंद्रीय कार्यालय बन रहा है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे आज। जी बिल्कुल, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, बेहद अहम दौरा है गृहमंत्री अमित शाह का, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सचिन, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं और पार्टियों की तैयारियां कैसी हैं, पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल माधुरी, अगर हम बात करें क्योंकि प्रधानमंत्री का तीसरी बार जहां चुनाव लड़े और विपक्ष में अजय राय यहां पर तीसरी बार जहां चुनाव लड़े और विपक्ष में अजय राय यहां पर अपनी जो किस्मत है वो अजमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार इस चीज का दावा करते हुए नजर आ रही है कि नहीं, अजय राय इस पर जीत का परचम लहराएंगे, लेकिन जो मोदी के प्रति जो लोगों की उत्सुकता है वो जनसभा से क्लियर हो जाती है। तीसरी बार पूरी की पूरी पार्टी ने अपनी यही उत्सुकता थी वो कहीं ना कहीं जीतती हुई नजर आई। तो यहाँ पर अगर मैं समीकरण की बात करूँ तो दोनों हिंदू मुस्लिम जितने भी भाई लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता जो प्रधानमंत्री के प्रति है वो साफ जाहिर हो जाती है, और इसके बाद चाहे कोई भी विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष लगातार अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी चंदौली के अंदर अपनी न्याय यात्रा कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने तमाम ऐसे बयानबाजी किए जिससे कि काशी के जो युवा है उनको नसीन तक कह दिया। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में ये चीज भी देखी जाती है, नजदीक का लोकसभा, लेकिन हाँ राहुल गांधी ने कोई पूर्व कसर छोड़ी नहीं, काशी के अंदर आगमन होते ही लगातार जो है वो नसेड़ी देखिए यहाँ पर कह दिया सभाओं में। तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इंतजार है और ये सारी चीजें जो लोकसभा को अगर मैं बात की, जैसा कि आपने कहा समीकरण, तो समीकरण तय हो चुका है और कहीं ना कहीं जाकर के जो सभाएं है वो तय कर रही है, जो भीड़ देखने को मिल रही है इससे साफ सीधा जाहिर हो जाता है कि आखिर में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट तैयार की थी वो सब इसके अंदर उतरने की देरी है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की सपा की एनडी गठबंधन की, तो तमाम ऐसी जो है रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है, लेकिन उसमें साफ क्लियर हो जाता है कि आखिर में पल्ला किसका भारी है। जी, लेकिन इस बार खास बात ये भी है कि दो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी होती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।